उत्तर प्रदेश में योगी की वापसी के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। यूपी में योगी सरकार का कड़ा एक्शन जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद यूपी में शुरू हुई लाउड स्पीकर उतरवाने की कार्रवाई और उसके बाद अब योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मदरसों को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अब प्रदेश के सभी मदरसों को रोजाना राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया गया है। पिछली 24 मार्च को बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप नए शिक्षण सत्र से सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आगामी शिक्षण सत्र से कक्षाएं शुरू होने से पहले अन्य दुआओं के साथ समवेत स्वर में शिक्षकों और छात्र छात्राओं को राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य रूप से करना होगा। जो मदरसे इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धनपाल सिंह ने पिछले महीने मदरसों में राष्ट्रवाद की शिक्षा देने पर जोर दिया था। विभागीय राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी कहा कि सरकार चाहती है कि मदरसे के छात्र देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हों और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मदरसों को लेकर आदेश जारी किया है। बता दें राज्य में योगी सरकार बनने के बाद मदरसों पर सरकार की विशेष नजर है। अभी तक कई मदरसों को बंद भी किया जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। इससे पहले योगी सरकार ने जब राज्य में लाउडस्पीकर विवाद बढ़ रहा था उस दौरान भी आदेश जारी कर कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिया और अब मदरसों पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि मदरसों पर हमेशा से धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। हालांकि अब राष्ट्रगान भी मदरसों में बजाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो योगी सरकार कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस बात के संकेत सरकार ने अपने आदेश में दिए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।